हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो पे। फौजी मूवी को लेकर के बात करेंगे। दो चीजें हैं जो कि कड़क वाली है, एक ऐसा बच है जो कि ऑलमोस्ट सच जैसा लग रहा है, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि कहानी जिस टाइम की है, जिस प्लॉट की है, जहां पे फिल्म की कहानी घूमेगी वहां पे वो कैरेक्टर तो है ही है ना। मैं बात कर रहा हूँ हिटलर की। तो फिल्म का मेन विलन जो है हिटलर का कैरेक्टर होने वाली है। और वैसे भी फिल्म की प्लॉट जो है 1940 से लेकर के 1950 तक कुछ ऐसा है ना, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर को वहां पे, मतलब फिल्म की कहानी जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ही होगा। आजाद हिंद फौज में से डार्लिंग प्रभास एक सोल्जर होंगे, कुछ इस तरह की प्लॉट है। आप लोगों को पता है जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट वाला पोस्टर हुआ पूजा सेरेमनी के दिन, तो वहां पे भी ये लोग बहुत सारे हिंट दिए हमें कि फिल्म जो है उस टाइम का होने वाला है। आजाद हिंद फौज का वो निशान देखना, वो सारी की सारी चीजें, ठीक है ना। तो यहां पे ऑलमोस्ट कंफर्म लगता है, 99% तक कंफर्म लगता है, 100% भी आप कह सकते हो क्योंकि टाइम वही है। इसी वजह से 99% बोलना भी थोड़ा गलत लग रहा है अपने आप को। तो हिटलर फिल्म का मेन विलन होगा, तो क्या होगा जरा सोचो। आप यहां पे थोड़ा अपने दिमाग पे ट्रिपल आर मूवी को लेकर के आओ, ठीक है। ट्रिपल आर मूवी को लेकर के आओ, वहां पे जैसे SS राजामौली जो ओरिजिनल कहानी है, जो अपना पास्ट है, जो अपना हिस्ट्री है, उसके साथ अपनी फिक्शनल कहानी को जोड़ करके किस तरह की कहानी बना दी, मतलब हैप्पी एंडिंग ले आए, है ना। ठीक उसी तरह यहाँ पे काम होगा, मतलब हिस्टोरिकल कहानी तो होगा वहां पे, जो हिस्ट्री में जो हुआ है, सच्ची कहानी जो हुआ है, एक सोल्जर की प्रेम कहानी का फिक्शनल एंगल दिखा करके कैसे फिर हिटलर की खात्मा भी कर देंगे। शायद ऐसा कुछ भी हो सकता है जैसे वहां पे ट्रिपल आर के साथ हुआ था, अंग्रेजों को दोनों मार करके भगा दिए थे पूरा एकदम से, लेकिन सच्चाई में ऐसा नहीं, सच में ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन फिक्शनल और ओरिजिनल कहानी को मिला करके जो चीज एक बनती है ट्रिपल आर जैसा, ऐसा कुछ हो रही है यहाँ पे भी। तो मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूं इस चीज के लिए, जो कि बहुत मजा आता है। देखो एक्चुअली क्या हुआ है, मैं ये बात शायद 2-3 बार आप लोगों को कह चुका हूं कि जब भी कोई बायोपिक फिल्म बनती है, जब भी कोई हिस्ट्री को लेकर के फिल्म बनाया जाता है, तो वहां पे क्या है ना कि वो सक्सेस नहीं रहती है ना। मतलब वहां पे हैप्पी एंडिंग नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जहां पे जब फिक्शनल आ जाती है, तो वो जो दुख होता है, वो जो सैड मोमेंट, जो अपना जो हिस्ट्री का जो एकदम से बहुत ही ये क्रिटिकल सिचुएशन था, वो सिचुएशन में आप दहक उठोगे, आपको बहुत बुरा लगेगा, ठीक है ना। तो वहां पे फिक्शनल एंगल डाल करके जब हैप्पी एंडिंग लाया जाता है, मतलब विलन का खात्मा किया जाएगा, कि हम अब हम सोचते हैं जब हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो वो सारी चीज वहां पे सोचते हैं कि हाँ अगर ऐसा होता तो हैप्पी एंडिंग यहां पे हो जाता, विलन को ये लोग मार देते और अंग्रेज भाग जाते, मतलब इस तरह का मतलब फील आता है अंदर से। तो वो फील जो है इस फिल्म में पूरा हो रहा है, मतलब फिक्शनल एंगल में। ऐसा ऑलरेडी SS राजामौली सर ट्रिपल आर मूवी में कर चुके हैं। ओके, तो वो जो फिक्शनल एंगल आ जाता है ना, तो अपना एक हैप्पी एंडिंग आ जाता है, एक सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, ठीक है, मतलब एक खुशी मिलती है अंदर से, ठीक है। बाकी सारी चीजें सच्चाई के साथ जाता है, लेकिन आखिर में क्या होता है कि एक, मतलब एक फिक्शनल एंगल के साथ हैप्पी एंडिंग हो जाता है, ठीक है। तो फौजी मूवी का प्लॉट भी कुछ ऐसा हो सकता है, जैसे कि हिटलर फिल्म का विलेन होगा, राजा करा मोमेंट जो है उस वहां पे कुछ सच्चाई, कुछ सच्ची कहानी को वहां पे उतारा जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी की सच्ची कहानी के ऊपर कुछ 2-4 सिचुएशन भी वहां पे डाला जाएगा। ओके, ऊपर से एक फिक्शनल प्रेम कहानी को डाला जाएगा, और आखिर में हैप्पी एंडिंग के लिए कुछ फिक्शनल कहानी फिर सेट किया जाएगा जहां पे ये सोल्जर का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, ठीक है। तो बड़ा मजा तो आएगा भाई, मतलब प्लॉट को सुन करके मुझे ट्रिपल आर की वाइब्स आ रही है भाई यहाँ पे, कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन ट्रिपल आर एकदम से एक मास मूवी था, बहुत ज्यादा एक्शन था वो था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इमोशनली जाने वाली है। एक्शन होगा यहाँ पे, लेकिन एक्शन के साथ साथ इमोशन बहुत ज्यादा होगा फिल्म की। प्लॉट जो है प्रेम कहानी है, देशभक्ति के ऊपर है, सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर अपना सम्मान बहुत ही ज्यादा, फिर बड़ी, मतलब सम्मान तो है लेकिन एक इमोशनली हम फिर से उनकी कहानी के साथ जुड़ जाएंगे, कुछ इस तरह का सिचुएशन, मतलब देशभक्ति, प्रेम कहानी, इन सारी चीजों को मिला करके बहुत ही इमोशनली इस फिल्म को लेकर के जाएंगे अनुराग बापूरी, क्योंकि अनुराग बापूरी की फिल्म है। तो हम यहाँ पे मास एंगल को ज्यादा उम्मीद नहीं करेंगे, इमोशन एंगल को, इमोशनल एंगल को ज्यादा उम्मीद करेंगे, तो बड़ा मजा आएगा, ठीक है। और हम, मतलब फिल्म के जो जो एक्सपेक्टेशन है वो हमारा पूरा हो पाएगा, दिल नहीं टूटेगा। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि मास एंगल को ज्यादा ना सोच करके इमोशनल एंगल को ज्यादा सोचिए फौजी मूवी को लेकर के। ओके, दूसरा अपडेट यहाँ पे ये है कि मैत्री मूवी मेकर्स अभी से फिल्म का जो राइट्स वगैरह का जो डील वगैरह होता है, ओवरसीज राइट का डील ऑलरेडी सेट कर रहे हैं, मतलब ओवरसीज में अपनी फिल्म की राइट्स को बेचने के लिए 100 करोड़ से ज्यादा की मांग कर रहे हैं, 108 करोड़ तक का मांग है उनका, डिमांड जो है 108 करोड़ तक का है। तो जरा सोचो फिल्म का शूटिंग अभी
कुछ हद हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत हुआ है, हीरो का शूटिंग अभी तक नहीं हुआ है। डार्लिंग प्रभास के बलबूते पर तो इतना बड़ा डील हो रहा है ना भाई, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का उम्मीद करो, वो इतनी बड़ी डिमांड करो, ये सारा चीज डार्लिंग प्रभास को लेकर के। लेकिन डार्लिंग प्रभास अभी तक शूटिंग स्टार्ट नहीं कर चुका है, लेकिन फिर भी इन लोगों का डिमांड जो है बढ़ चुका है। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको जरूर ये कहना चाहूंगा कि मैत्री मूवी मेकर्स बिजनेस के मामले में भी बहुत ही कमाल का खेल खेलने वाले हैं, और जबरदस्त बिजनेस इसका होगा, प्रमोशन बहुत ही कड़क होगा। तो भाई फौजी मूवी को आप हल्के में नहीं ले सकते, फौजी मूवी बहुत ही बड़ी लेवल पे जा रही है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। ओके, और फर्स्ट लुक की जब बात होती है तो फर्स्ट लुक जो है हमें 23 अक्टूबर को देखने को बहुत ही ज्यादा चांसेस है, ठीक है, क्योंकि फुटेज वगैरह जो है, मतलब ये जो लुक टेस्ट वगैरह जो है डार्लिंग प्रभास का फौजी मूवी के लिए ऑलरेडी हो चुका है बोला जा रहा है। तो हमें 23 अक्टूबर तक फिल्म का फर्स्ट लुक जो है डार्लिंग प्रभास का देखने को मिल रही है, ऐसा कुछ भी अपडेट है हमारे पास। देखते हैं क्या हो रहा है आगे, मिल जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। राजा साहब मूवी की तरफ से टीजर आ जाएगा, मतलब फौजी मूवी की तरफ से फर्स्ट लुक आ जाएगा, और स्पिरिट का ग्लिम्स आएगा क्या, देखते हैं क्या हो रहा है। वैसे तो डार्लिंग प्रभास का खुद का ही रिक्वेस्ट है कि फौजी और राजा साहब को पहले टाइम दिया जाएगा, सलार टू, कल्कि टू, स्पिरिट मूवी की तरफ से थोड़ा सा ब्रेक मिल दिया जाएगा, कुछ इस तरह की बात है। देखते हैं क्या हो रहा है आगे। वैसे फौजी मूवी के लिए आप लोग कितना एक्साइटेड हो, हिटलर विलन, राजा करा मोमेंट्स, फिर प्रेम कहानी, देशभक्ति, सुभाष चंद्र बोस जी का रेफरेंस, आजाद हिंद फौज की सोल्जर, डार्लिंग प्रभास, ये सारी चीजों को लेकर के आप कितना एक्साइटेड हो रहे हो इस फिल्म के लिए, जरूर कमेंट करिएगा। आखिर मैं एक चीज जरूर यहाँ पे कहना चाहूंगा, मैं भूल गया एक्चुअली वीडियो बनाते बनाते, अगर इस फिल्म में हिटलर मैन विलन है, ओके, फिल्म का मेन विलन जो है हिटलर का कैरेक्टर है, तो ये हिटलर वाला कैरेक्टर में कौन सी एक्टर आएंगे तो सही रहेगा आपके हिसाब से? हिटलर कौन होगा, कौन सा एक्टर हिटलर बनेगा तो बहुत ही कड़क लगेगा और मजा आएगा, इसके ऊपर आप जरूर कमेंट करना।